आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने परिवार में मनमुटाव और तनाव से भरे माहौल की सच्चाई को कबूल कर लिया है। अब तक अफवाहें ही थी कि सिन्हा परिवार में सोनाक्षी और जैद की शादी को लेकर मनमुटाव था, रिश्ते में दरारें पड़ रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम ने आखिरकार बेटी की खुशियों को प्राथमिकता दी और अपनी मर्जी को पीछे रखा, सोनाक्षी की मर्जी को आगे रखा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा इंटरफेथ मैरिज के पहले तो खिलाफ थे। पहले करीब 2 हफ्ते से बात नहीं बन रही थी सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर सिन्हा परिवार में। बेटी को विदा करने से पहले फाइनली बॉलीवुड की शॉटगन ने इस पर चुप्पी तोड़ी और कहा, अब सब ठीक है। दिग्गज एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न ने इकलौती बेटी सोनाक्षी की शादी को कंफर्मेशन देते हुए ये कहा है, परिवार में जो तनाव था अब मिट चुका है, बेटी की खुशियों से ही परिवार खुश है। शादी से पहले शत्रुघ्न ने ये भी कहा, 23 जून को शादी को लेकर जो चर्चाएं थी इस पर भी बात हुई है। जी हाँ, 2 हफ्ते से सिन्हा परिवार में सोनाक्षी जहीर के साथ शादी को लेकर उन्हें मनाने में काफ़ी संघर्ष कर रही थी। घर में तनाव की वजह से ही मीडिया के सामने आकर परिवार शादी पर बात करने से बच रहे थे, इसलिए शत्रुघ्न के बेटे ने भी इस पर बात करने से मना किया था। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्ट रिपोर्ट।